Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So today in this video I will teach you how you can design umbrella in Adobe Illustrator. So without taking further time, video start karte hain. Okay, so video start karne se pehle aapse request hai ki agar abhi tak aapne mera channel subscribe nahi kiya to please ise subscribe kar lijiye taki jo video main upload karu uski notification aapko mil sake. ओके सो अम्ब्रेला की टॉप शेप डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले इलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे, देन आर्ट बोर्ड पर क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यू को 133x1 पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे. मेक श्योर फिल एरिया डीएक्टिवेट हो एंड स्ट्रोक एक्टिव हो, एंड स्ट्रोक की जो वैल्यू है वो है 30 पॉइंट्स. देन इसे सर्कल पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इसे बॉटम एरियाज का डिलीट कर देंगे. देन लाइन सेगमेंट टूल लेंगे, इस एंकर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इस एंकर पॉइंट पे से रिलीज कर देंगे. देन दोनों को सिलेक्ट करके इसके स्ट्रोक के कैप्स एंड कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे. परफेक्ट. नाउ इस डिजाइन के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे. परफेक्ट. नाउ इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे एंड इस लाइन को यहां से डिलीट कर देंगे. इससे यू है कि जस्ट ये यहां की जो लाइन है ये लेफ्ट रह गई है, ये डिलीट हो गया पार्ट. नाउ इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद रोटेट टूल पे क्लिक करेंगे, देन इस सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, देन इसे ड्रैग करते ऑल प्रेस करते हुए साइड पे ले आएंगे. परफेक्ट. नाउ इसकी सिलेक्शन इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इस बार रिफ्लेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे, देन इसके सेंटर में क्लिक करेंगे, देन इसी लाइन पे शिफ्ट प्रेस करते हुए इसे साइड पे लेके देन ऑल प्रेस कर देंगे, देन इसे रिलीज कर देंगे. देन इस सब डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल से जो लाइंस डिजाइन के साइड में आई हुई है या बाहर निकली हुई है उसे हम डिलीट कर देंगे. परफेक्ट. नाउ ये जो लाइन ड्रॉ की थी इस पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, देन कर्वेचर टूल पे क्लिक करेंगे एंड यहां पे पॉइंट लगाएंगे. परफेक्ट. नाउ यहां से इसे कर्व दे देंगे. मेक श्योर पहले आप यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लें. मैंने इसके स्ट्रोक को कुछ कम कर लेंगे, देन यहां से इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए, देन ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे. सिमिलरली इस पूरे एरिया पे इसी तरह वर्क करेंगे. परफेक्ट. नाउ जहां पे स्लाइटली एडजस्टमेंट है उसे हम फिक्स करेंगे. नाउ कंप्लीट डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसे एक्सपेंड कर देंगे, देन पाथफाइंडर में जाके इसे मर्ज कर देंगे. देन हम शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे
एंड ये जो स्पेसेस वाइट स्पेसेस है इस पे जस्ट क्लिक करते जाएंगे। नाउ इस डिजाइन में अब हम कलर ऐड करेंगे। कलर ऐड करने के लिए सबसे पहले पूरे जो पार्ट से ऐसे क्लिक करके राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे, देन इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर टूल से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देन सिमिलरली कलर ऐड करते जाएंगे शिफ्ट प्रेस करते हुए। लीजिए डिजाइन में कलर ऐड हो चुके हैं। नाउ कंप्लीट डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे, पाथफाइंडर में जाएंगे एंड से आपस में ट्रेन कर देंगे, देन राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे। इससे ये होगा कि फिल एंड स्ट्रोक आपस में सेपरेट हो गए। देन इस डिजाइन पे आप शेडिंग ऐड करेंगे, वो ऐड करने के लिए इस पार्ट को क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद से स्लाइटली साइड पे ले जाएंगे एंड बैक कलर को व्हाइट कलर दे देंगे। देन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में जाके इससे आपस में माइनस कर देंगे, देन सिमिलरली। डिजाइन पे शेडिंग ऐड हो चुकी है, नाउ हैंडल पे वर्क करेंगे। इसके लिए एक लाइन सेगमेंट टूल लेंगे एंड यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ एंड डिवाइड ऑब्जेक्ट ग्लो कर देंगे, देन इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके स्ट्रोक पे आएंगे एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए सेम कलर चूज करेंगे एंड इसके स्ट्रोक को इंक्रीज कर देंगे। परफेक्ट। नाउ इस एरिया पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। परफेक्ट। नाउ इसके टॉप पर भी एक सर्किल ऐड करेंगे। नाउ कंप्लीट डिजाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देंगे एंड इसे स्लाइटली रोटेट करके इसके बॉटम पे एक शेडो ऐड कर देंगे एंड इसकी ओपेसिटी को 50 पॉइंट्स कर देंगे। नाउ इसके बैकग्राउंड पे एक कलर ऐड कर देंगे। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind.